झारखंड और देश विदेश के खबरों में आपका स्वागत है। अनुबंध पर शिक्षकों की बहाली के लिए 28 से साक्षात्कार। डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय में अनुबंध शिक्षकों के लिए बहाली को लेकर साक्षात्कार लिया जा रहा है। विभिन्न विषयों में इन शिक्षकों की नियुक्ति होनी है। 28 दिसंबर को उड़िया और जियोलॉजी विषय के लिए अभ्यर्थियों का साक्षात्कार लिया जाएगा, जबकि 29 दिसंबर को साइकोलॉजी और खड़िया विषय के लिए शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। सभी शिक्षक को रिपोर्टिंग टाइम का वक्त बता दिया गया है। खड़िया विषय के लिए 10 अभ्यर्थी, साइकोलॉजी के लिए 17 अभ्यर्थी और जियोलॉजी के लिए 11 और उड़िया के लिए 6 अभ्यर्थियों का साक्षात्कार लिया जाएगा। खबर है जमशेदपुर से। भाजपा मंडल अध्यक्ष ने किसानों को किया सम्मान, पीएम मोदी का सुना संबोधन। मुसावनी 3 नंबर ATF पार्क में 275 बूथ संख्या के लोगों के साथ भाजपा मंडल अध्यक्ष तुषार कांत पात्र की अध्यक्षता में भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती मनाई गई थी। इस कार्यक्रम में मंडल अध्यक्ष तुषार कांत पात्र और कार्यकर्ताओं ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की तस्वीर पर माल्यार्पण कर उसे पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दिए। नए साल में केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाएंगे झारखंड के 5 IPS अधिकारियों की कमी से प्रभार में चल रहे हैं कई पद। यह खबर है रांची से। नए साल में झारखंड के 5 IPS अधिकारी केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाएंगे। झारखंड पुलिस के 5 IPS अधिकारी नए साल की शुरुआत में ही झारखंड छोड़ देंगे। इनमें साकेत कुमार सिंह, कुलदीप द्विवेदी, प्रशांत आनंद, शिवानी तिवारी एवं अनुशुभम कुमार शामिल है। IPS अधिकारियों की कमी के कारण राज्य में कई पद प्रभार में चल रहे हैं। IG स्तर के अधिकारियों का भी अभाव है। कृषि ऋण माफी योजना पर क्या बोले झारखंड के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख। NPA खाता धारक किसानों के लिए क्या है प्लान, तो आइए जानते हैं खबर को थोड़ी विस्तार से। झारखंड के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने कहा है कि 9.07 लाख मानक खाता धारक किसानों को कृषि ऋण माफी योजना का लाभ पहुंचाना हेमंत सोरेन सरकार की प्राथमिकता है। फिलहाल NPA खाताधारक किसानों को कृषि ऋण माफी योजना का लाभ नहीं मिल सकेगा। NPA खाताधारक किसानों को अगले चरण में ऋण माफी योजना का लाभ देने की योजना है। निर्वाचित पदाधिकारियों से कहा गया, वोटर लिस्ट से नाम हटाने वाले के घर जाएं और कारण का पता करें। यह खबर है रांची से। अब रांची के वोटर लिस्ट से नाम हटाने वाले की जांच होगी। जांच में सही कारण मिलने के पर ही वोटर का नाम वोटर लिस्ट से हटेगा। रांची DC छवि रंजन ने शनिवार को इस संबंध में सभी निर्वाचित पदाधिकारियों को आदेश दिया है। शनिवार को निर्वाचित पदाधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में उन्होंने फॉर्म 7 के आए आवेदनों का औचक निरीक्षण का निष्पादन करने का निर्देश दिया है। DC ने कहा है कि निर्वाचित पदाधिकारी आवेदनों के संबंध पते पर पहुंचकर इसकी जांच करें। उनसे पूछें कि नाम हटाने का उनका कारण क्या है, क्या वोटर की मृत्यु हो चुकी है या मतदाता दूसरे जगह शिफ्ट कर चुके हैं। खबर ट्रेन अपडेट से। झारखंड, बिहार व बंगाल की 28 ट्रेनों को मार्च 2021 तक एक्सटेंशन। इस्लामापुर हटिया स्पेशल 1 2 जनवरी को रद्द। दक्षिण पूर्व रेलवे ने यात्रियों की भीड़ को देखते हुए 14 जोड़ी स्पेशल ट्रेनों का एक्सटेंशन करने का फैसला लिया है। इन ट्रेनों को मार्च महीने तक विस्तार किया गया है। ये ट्रेन बंगाल, बिहार व झारखंड के अलग अलग स्टेशनों से खुलेगी। दक्षिण पूर्व रेलवे ने यात्रियों से अपील की है कि वे घर से निकलने के पहले ट्रेन से संबंधित जानकारी नेशनल ट्रेन इंक्वायरी सिस्टम एप्स के माध्यम से जान लें। यह खबर है जमशेदपुर से। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, पंचायत चुनाव पर सोच समझ कर लेंगे फैसला। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शुक्रवार को बोकारो एयरपोर्ट में कहा कि पंचायत चुनाव के संबंध में राज्य सरकार सोच समझ कर कोई निर्णय लेगी। जो भी निर्णय लिया जाएगा राजहित में लिया जाएगा। वह बोकारो दौरे पर थे। CM श्री सोरेन ने कहा कि राज्य ही नहीं पूरे विश्व के लिए वर्ष 2020 चुनौतीपूर्ण रहा। सरकार सभी चुनौतियों का सामना करते हुए आम जन जीवन को सामान्य करने का प्रयास राज्य ने किया है। विपक्ष कहता है कि सरकार का एक वर्ष बदहाल रहा है। उस विपक्ष को क्या जवाब दूं जिसके पास अपना नेता तक नहीं है। हमारे देश विदेश और देश की विभिन्न योजनाओं एंखेलों से ममता, महबूबा और कांग्रेस को PM ने कुछ ऐसे घेरा, साथ ही समझिए साकी बातों की सार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर में सेहत स्वास्थ्य बीमा योजना का शुभारंभ किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि मेरी इच्छा थी कि इस योजना का शुभारंभ अटल जी की जयंती के अवसर पर हो।
पर कुछ व्यवस्था के चलते संभव नहीं हो सका। डीडीसी चुनाव में लोगों की भागीदारी को लेकर प्रधानमंत्री ने कहा, जम्मू कश्मीर के हर वोटर के चेहरे पर मुझे विकास के लिए एक उम्मीद नजर आई, उमंग नजर आई। हर वोटर की आंखों में मैंने अतीत को पीछे छोड़ते हुए बेहतर भविष्य का विश्वास देखा। उसके साथ ही प्रधानमंत्री विपक्ष पर कटाक्ष भी किए। पीएम मोदी से संवाद के बाद खेत में पसीना बहा रहा है किसान, बोला बहुत गर्व हो रहा है। शुक्रवार को वह कलेक्ट्रेट परिसर से जाने के बाद गांव में पहुंचे तो परिवार समेत गांव के लोगों ने बधाई देते हुए खुशी जाहिर की। मेहनत पर भरोसा रखने वाले किसान राम गुलाब हर रोज की तरह शनिवार को भी खेतों में पसीना बहाते नजर आए। प्रधानमंत्री द्वारा हौसला बढ़ाने का नतीजा साफ दिखा। शनिवार को रामगुलाल अपने घर पर परिवार के साथ बातचीत के बाद सीधे खेत की ओर निकल पड़े। खेत में आलू, मटर, टमाटर एवं गेहूं की फसल अच्छी है, साथ ही शकरकंद की खेती भी ठीक ढंग से कराए हैं। गांव के तमाम किसानों को साथ लेकर शकरकंद की खेती को आगे बढ़ाने में जुटे हैं। आर्टिकल 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में भी लागू हुआ आयुष्मान भारत स्कीम, 21 लाख परिवारों को मिलेगा सीधे लाभ। नया साल से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर की जनता को बड़ा गिफ्ट दिया है। प्रधानमंत्री मोदी शनिवार को जम्मू कश्मीर में सेहत स्वास्थ्य बीमा योजना का शुभारंभ किया। इस योजना के तहत अब जम्मू कश्मीर में अब हर परिवार को सालाना 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवर मिलेगा। जम्मू कश्मीर के लोग राज्य में ही नहीं बल्कि पूरे देश में योजना का लाभ उठा सकेंगे। सोशल मीडिया के बादशाह हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ट्विटर एंगेजमेंट में एक बार फिर टॉप पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोशल मीडिया के बादशाह हैं। प्रधानमंत्री ट्विटर पर भी सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले भारतीय बने हुए हैं। सोशल मीडिया एनालिटिक्स फर्म ट्विटर ने ट्वीट पर सक्रियता को लेकर नवंबर 2020 की अपनी रिपोर्ट जारी की है। पॉलिटिक्स कैटेगरी में पीएम मोदी एक बार फिर टॉप पर है। प्रधानमंत्री मोदी को सबसे ज्यादा 76,65,669 ट्वीट एंगेजमेंट मिले हैं, जबकि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के बेटे राहुल गांधी को सिर्फ 35 लाख एंगेजमेंट मिले हैं। एंगेजमेंट लिस्ट में राहुल चौथे नंबर पर हैं। हो जाइए सावधान, आपके बैंक खाते पर है साइबर ठगों की नजर, चुके तो लुटा बैठेंगे रकम। कोरोना वायरस संक्रमण के संकट के बीच ऑनलाइन खरीदारी और लेन देन में बहुत ज्यादा वृद्धि हुई है। इससे जहां डिजिटल इंडिया को बढ़ावा मिला है, वहीं दूसरी तरफ साइबर ठगी के मामलों में जबरदस्त उछाल आया है। आलम यह है कि लॉकडाउन के दौरान प्रतिमाह करीब 4,500 लोगों के साथ ठगी की घटनाएं हुई है। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक कोरोना संकट से पहले यह आंकड़ा बेहद कम था। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि अलग अलग तरीके से ठगी की जा रही है। इसमें देश के अलग अलग हिस्से में मौजूद ठग खास तरीके से लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिफॉर्म करने वाला राजस्थान बना 6वां राज्य, इससे मिलेगा फायदा। राजस्थान देश के उन राज्यों में शुमार हो गया जिसने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रिफॉर्म को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। इस मुकाम को हासिल करने के बाद राजस्थान ओपन मार्केट से अब 2731 करोड़ रुपए अतिरिक्त कर्ज लेने की सहूलियत मिलेगी। केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा दी गई व्यवस्था के तहत इस उपलब्धि के बाद राजस्थान अपने वित्तीय जरूरतों को पूरा करने में अधिक सक्षम हो पाएगा। अंडे के रेट में आई रिकॉर्ड तेजी, देश के बाजारों में बिक रहा है अब तक का सबसे महंगा अंडा। कोरोना लॉकडाउन और मार्केट की स्ट्रेटजी के चलते बाजार में अंडा नया रिकॉर्ड बना रहा है। अंडे के दाम ने पीछे सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। अब अंडे के रेट नए कीर्तिमान रचने की ओर है। लखनऊ में 100 अंडे के थोक दाम 670 रुपए तक पहुँच गए हैं। वही पटना में 586, सूरत में 575 और दिल्ली में 571 रुपए तक रेट पहुंच गए हैं, जबकि देश की सबसे बड़ी मंडी की बर्नवाल मंडी में 100 अंडे 550 रुपए के दाम से बिक रहे हैं। बाजार के जानकारों के कहना है कि सीजन के नाम पर अभी जनवरी का पूरा महीना है तो अंडे के दाम में उछाल मार सकते हैं। 8वीं, 10वीं और 12वीं पास के लिए सेना में शामिल होने का सुनहरा मौका, फरवरी मार्च 2021 में दो सेना भर्ती रैली।
उत्तराखंड के युवाओं के पास सेना में भर्ती होने का सुनहरा मौका है। उत्तराखंड के विभिन्न जिलों में फरवरी और मार्च 2021 में सेना भर्ती की दो रैलियां होने वाली है। इच्छुक उम्मीदवारों को इन भर्ती रैलियों में शामिल होने के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। विभिन्न पदों के लिए होने वाली इन भर्ती रैलियों के जरिए पिथौरगढ़ से लेकर अल्मोड़ा, बागेश्वर, उधम सिंह नगर और नैनीताल के युवा सेना में भर्ती होने का सपना पूरा कर सकते हैं। इन दोनों ही रैलियों के लिए अधिसूचना जारी हो चुकी है। भारत के पड़ोसी राज्य नेपाल से मंत्रिमंडल में फेरबदल के बाद अब शीतकालीन सत्र, क्या नेपाली संविधान को ठेंगा दिखा रहे हैं पीएम ओली। नेपाली संसद को भंग कर फंसे प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के ऊपर अब संविधान के खिलाफ जाने का आरोप लगा रहा है। दावा किया जा रहा है कि उन्होंने कार्यवाहक प्रधानमंत्री होते हुए संविधान के विपरीत अपने मंत्रिमंडल में बदलाव किया है। इतना ही नहीं, देश में जारी राजनीतिक उठापटक और सुप्रीम कोर्ट के कड़े आदेश का परवाह नहीं करते हुए उन्होंने 1 जनवरी को संसद के उच्च सदन का शीतकालीन सत्र बुलाने का सिफारिश की है। नेपाल में खिसक रही है चीन की जमीन, ओली प्रचंड को मनाने आनंद फानंद में मंत्री भेज रहा है ड्रैगन। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली अपने इशारों पर नचाने वाले चीन को ताजा राजनीतिक संकट के बाद अपनी जमीन खिसकती नजर आ रही है। यही वजह है कि चीन नेपाल में कम्युनिस्ट पार्टी में चल रहे महासंकट के बीच आनंद फानंद में अपने मंत्री को भेज रहा है। चीन के सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी के अंतर्राष्ट्रीय विभाग के उप मंत्री गियो ये जो नेपाल आ रहे हैं और माना जा रहा है कि वह पीएम ओली तथा उनके विरोधी पुष्प कमल दहल प्रचंड के बीच विवाद को सुलझाने के लिए एक अंतिम कोशिश कर सकते हैं। पर खेल जगत से डेब्यू टेस्ट में दमदार गेंदबाजी करने वाले मोहम्मद सिराज के प्रभावित हुए जसप्रीत बुमराह, कहा टीम इंडिया के लिए अच्छा संकेत। मेलबर्न में खेले जा रहे बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी के दूसरे टेस्ट मैच में डेब्यू करने वाले भारतीय गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने अपने प्रदर्शन के सभी को प्रभावित किया है। टीम इंडिया के सीनियर गेंदबाज जसप्रीत बुमराह पहली पारी में मोहम्मद सिराज की गेंदबाजी से बेहद खुश है। सिराज में मेलबर्न टेस्ट के पहले दिन शानदार गेंदबाजी करते हुए सिर्फ 20 रन पर 2 विकेट झटके हैं। सिराज, बुमराह और रविचंद्रन अश्विन की घातक गेंदबाजी के सामने ऑस्ट्रेलिया अपनी पहली पारी में सिर्फ 195 रन पर आउट हो गई। आज का खेल समाप्त होने तक टीम इंडिया 11 ओवर में 36 रन बनाकर 1 विकेट गंवा चुकी थी। जसप्रीत बुमराह बने टीम इंडिया के सबसे अधिक कमाई करने वाला क्रिकेटर, रोहित टॉप 5 में भी नहीं। भारतीय क्रिकेट में जब भी स्टारडम या कमाई की बात आती है तो बल्लेबाजों का नाम ही आगे रहता है। विराट कोहली और रोहित शर्मा देश के सबसे महंगे क्रिकेटरों में शामिल है। एमएस धोनी संन्यास के बाद भी ज्यादातर क्रिकेटरों से ज्यादा कमाई करते हैं। साल 2020 में जो हर बात में लोगों को चौंकाता रहा, वह क्रिकेटरों की कमाई भी नया आंकड़ा लेकर आया है। जसप्रीत बुमराह इस साल भारतीय टीम में खेलते हुए सबसे अधिक कमाई करने वाले क्रिकेटर बन गए हैं। उन्होंने विराट कोहली को पीछे छोड़ा है। रोहित शर्मा इस लिस्ट में टॉप 5 में भी जगह नहीं बना पाए हैं। जमीन विवाद में महिला को लगा दी आग, किसी तरह बचकर तेल से लत पर पहुंची थाने। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर शहर में एक दिल दला देने वाला वाक्य सामने आया है, जहां जमीन विवाद को लेकर 3 महिलाओं ने एक महिला के ऊपर मिट्टी तेल छिड़क कर आग लगाकर उसे जान से मारने की कोशिश की। इस दौरान महिला किसी तरह बचकर खुद गांधीनगर थाने पहुंचकर उस वक्त वह पूरी तरह से मिट्टी से तेल से लथपथी, इसके शरीर पर जलने और चोट के निशान भी थे। झारखंड से घुड़सवारी सिखाने वाला 4 महीने तक करता रहा युवती का यौन शोषण, हुआ गिरफ्तार। घुड़सवारी सिखाने वाला प्रशिक्षक राजेश कुमार सिंह एक युवती का 4 महीने से यौन शोषण कर रहा था। युवती की शिकायत पर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। युवती ने आरोप लगाया कि घुड़सवारी के प्रशिक्षण देने के नाम पर युवक उसे ओरमांझी से ले गया और वहां उसके साथ रेप किया। युवती ने जब विरोध किया तो आरोपी ने उसे डरा धमका कर चुप करा दिया था। आरोपी ने उससे शादी करने की बात भी कही थी, इस पर वह उसमें झांसे में आ गई थी। पंजाब में कांग्रेस सरकार ने पीएम मोदी का भाषण सुनने आए किसानों पर पुलिस से बरसवाई लाठियां। अटल जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण सुनने के लिए पंजाब में एकत्र किसानों पर लाठियां बरसाने का आरोप लगाते हुए भाजपा ने आक्रोश व्यक्त किया है। भाजपा ने कहा है कि जब 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी की जन्मदिन मनाते हुए प्रधानमंत्री मोदी का भाषण सुनने के लिए कार्यकर्ता और किसान जुटे थे, उसी वक्त पंजाब की कांग्रेस सरकार ने पुलिस से किसानों पर लोहे की रॉड और डंडों से
बार करवा दिया। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।